सुबह 8 बजे संकट मोचन निवासी सुरेंद्र सिंह, पिता राधेश श्याम सिंह, उम्र 60 साल, बुजुर्ग, डाउन पूर्वा एक्सप्रेस की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें घायल अवस्था में देख आरा सदर अस्पताल में जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार राय, युवा के जिलाध्यक्ष रघुपति यादव ने सदर अस्पताल पहुंचाकर समुचित इलाज कराने का व्यवस्था कराया और उनके परिवार को घर जाकर सूचना भी दिया। हाँ, ये कैसे घटना हुआ है? घटना वे आ रहे थे लाइन किनारे घर के रास्ते से, क्योंकि बगल में पानी की वजह से गड्ढे में पूरा पानी, रास्ते में पानी है, लाइन के किनारे आ रहे थे। उसी समय पूर्वा से ब्रेक आई और पूर्वा से सीन को लग गया, जो सर में बहुत काफी चोटे आई है। उनको जो हम लोग जानकारी देते हॉस्पिटल में टांग कर, हमारे बड़े भाई हैं संतोष कुमार सागर जी, उनके पहचान सूचना किए हम लोग, तो हम लोग लेकर हम लोग यहाँ पर आए। पहचान हुआ है कि कहाँ के? हाँ, अभी उनके पुराने पुर्जे से पहचान हुआ है, सुरेंद्र सिंह है, पिता राधे श्याम सिंह, संकट मोचन, जो हमेशा यहाँ पर हमको लग रहा है यहाँ पर इलाज कराने के लिए ही आ रहे थे। स्थिति अभी क्या बताया जाए? स्थिति ठीक नहीं है, हेडिंग बहुत इनकी है, सीरियस है। उनके परिवार वाले अभी तक नहीं पहुंचे हैं, सूचना कर दिया गया है, जानकारी हम लोगों ने खोज लिया है इनके परिवार वाले। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, जन अधिकार पार्टी जिलाध्यक्ष। हाँ सर, बताया जब एक वृद्ध ट्रेन से जख्मी हो गया है, कुछ सामाजिक लोगों ने लाया है। हाँ, यह कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति को लाया गया है इमरजेंसी में, और अभी उनको सर्जिकल वार्ड में रखा गया है। बताया जा रहा है कि वे अस्पताल ही आ रहे थे किसी ड्रेसिंग वगैरह कराने के लिए, रास्ते में ट्रेन के द्वारा वो जख्मी हो गए हैं और उनको कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग लेके आए हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद, और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, अभी वे सर्जिकल वार्ड में भर्ती हैं, लेकिन स्थिति उनकी नाजुक है, कन्वल्शन हो रहा है और सर में काफ़ी चोट लगी है। परिजन का पता चला सर? उनके द्वारा बताया गया कि परिजन का उनको पता चल गया है और वो लोग खुद गए हैं उनके परिजन को लाने के लिए, और परिजन आ जाएंगे तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड हो जाएगी ना, और हम लोग यहाँ तक हो गए अपने से अच्छा सा इलाज करेंगे।